नमस्कार, मैं हूं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय एयरटेल ने कहा, हम देश में 5G सेवाएं को अगस्त 2022 में ही शुरू करने वाले हैं। भारतीय एयरटेल ने आधिकारिक ऐलान करते हुए कहा है कि एयरटेल ने देश में 5G की लॉन्चिंग को लेकर नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ पार्टनरशिप भी की है। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो के आकाश अंबानी ने भी 5G की लॉन्चिंग के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कही है। 66वीं BPSC परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। वैशाली जिले के सुधीर कुमार ने पहला स्थान लाकर टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर नालंदा के अंकित कुमार का नाम है। सुधीर के पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हैं, तो वहीं अंकित के पिता किसान हैं। भारतीय सेना द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी हो जाने के बाद उम्मीदवार एडमिट कार्ड को आधिकारिक साइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ आर्मी द्वारा उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड उनकी पंजीकृत ईमेल ID पर भेज दी जाएगी। ओडिशा को राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता निरीक्षण के लिए मोबाइल निरीक्षण वैन के संचालन के लिए चुना गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पायलट आधार पर ओडिशा के अलावा गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में गैर विनाशकारी परीक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण के लिए MIV की सेवाएँ ली हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को भाजपा के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की टिप्पणी की देश में सिर्फ भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक दल होगी, यह बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग लोकतंत्र की जर्नी बिहार में आकर के बिहार की धरती पर लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं। बिहार की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी। हाल ही में शेयर मार्केट में लिस्टेड जीवन बीमा निगम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताजा सूची में शामिल है। वहीं इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 51 स्थान की छलांग लगाई है। LIC 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 55.38 करोड़ डॉलर के लाभ के साथ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। राज्यसभा नहीं भेजे जाने को लेकर हिना शहाब की लालू और तेजस्वी से नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। सियासी खींचतान के बीच रईस खान अब राजद के नज़दीक दिख रहे हैं। MLC चुनाव में दावेदारी ठोक चुके रईस खान ने राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से मुलाकात की है। साइबर मीडिया रिसर्च की इंडिया मोबाइल हैंडसेट मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की दूसरी तिमाही में भेजे गए हर एक 3 स्मार्टफोन में से एक 5G इनेबल स्मार्टफोन था, क्योंकि शिपमेंट में 7% तिमाही दर तिमाही की बढ़त हुई। बिहार में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण उत्तरी जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल और सीमा से सटे राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने के बाद पिछले कुछ दिनों में कोसी, कमला बलान एवं बागमती नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। भारत का सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का 2 साल का कार्यकाल इसी दिसंबर में पूरा होने वाला है, जब भारत इसी महीने के लिए शक्तिशाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने ताइवान के नज़दीक समुद्र में कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। चीन ताइवान को समुद्र में घेर कर अपना सैन्य अभ्यास कर रहा है। ताइवान ने इसे क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालने वाला विवेकहीन कदम बताया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भी मिसाइल दागे जाने की पुष्टि की है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए जोरदार तैयारी भी की गई। BJP की तैयारी 3 करोड़ घरों में तिरंगा लगाने की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी तिरंगा अभियान के जरिए राष्ट्रवाद का संदेश देने में जुटी है। एक दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में अब किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोज या पेय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और राष्ट्रपति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में आरती करेंगे। PIV फैक्ट चेक ने ट्वीट किया कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए राष्ट्रपति भवन में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिन्हा से कहा कि उन्हें नियम प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उन्होंने मंत्री को उस वक्त यह हिदायत दी जब उन्होंने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र अमरावती के कई गाँवों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुँचने से जुड़े महाराष्ट्र सरकार के प्रमाण पत्र की प्रति वह उन्हें दे देंगे। भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जिस समय विश्व की 2 महाशक्तियां यानी अमेरिका और चीन के बीच तनाव चल रहा है।
शिवसेना सांसद और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता संजय राउत की हिरासत को अदालत ने 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। ईडी अधिकारियों ने आज शाम कस्टडी समाप्त होने के पहले उन्हें विशेष अदालत में पेश किया और संजय राउत की कस्टडी को बढ़ाने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अथॉरिटी नोएडा में फ्लावर प्लांट की एक गैलरी और म्यूजियम बनवाने जा रही है। गैलरी और म्यूजियम नोएडा में पहले से ही बने बॉटेनिकल गार्डन में बनाया जा रहा है। म्यूजियम और गैलरी को बनवाने की लागत करीब 500 करोड़ रुपए आएगी। इसके लिए वन मंत्रालय से भी अनुमति मिल गई है। अहमदाबाद से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट से अचानक एक पक्षी टकरा गया। पक्षी के टकराने के बाद फ्लाइट को डायवर्ट कर दिया गया है। फ्लाइट को वापस अहमदाबाद की ओर डायवर्ट किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने यह जानकारी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दौर में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लीज ट्रस के बीच की जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ताजा सर्वे में भी लीज के मुकाबले ऋषि पिछड़ गए हैं, जबकि अब तक ऋषि ब्रिटेन में धैर्य और संयम के साथ बड़े मानवतावादी आदर्शों के जोर पर अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करते दिख रहे थे। सरकार ने लोकसभा में बताया कि नए संसद भवन के निर्माण का 70% काम पूरा हो गया है। सेंट्रल विस्टा विकास और पुनर्विकास योजना के तहत 5 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसमें नए संसद भवन के निर्माण का 70% काम पूरा हो गया है। हिंदी फिल्म मेकर अशोक पंडित ने वायरल होते हुए इस फोटो पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये आप नेता संजय सिंह हैं जो संसद परिसर में मोदी का विरोध करने रात को धरना दे रहे हैं, वो भी मच्छरदानी लगाकर। भौतिक सुख सुविधाओं के आदि हो चुके संजय सिंह, जब आप मच्छर से नहीं लड़ सकते तो नरेंद्र मोदी से क्या लड़ोगे। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने इसके लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। जस्टिस रमन्ना ने गुरुवार सुबह को इस बारे में लिखा कि सिफारिश पत्र भी जस्टिस यू ललित को सौंपा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज में 5 T20 मैच की सीरीज खेल रही है, जिसके 3 मैच हो चुके हैं और भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। आखिर के 2 मुकाबले US फ्लोरिडा में खेले जाने हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, हेड कोच राहुल द्रविड़ समेत 14 लोगों के पास वीजा नहीं था, जिसके लिए उन्हें अमेरिकी दूतावास में इंटरव्यू देना पड़ा, जिसके बाद जाकर उन्हें वीजा प्राप्त हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा सरकार की तारीफ करते हुए पूर्ववर्ती UPA सरकार की आलोचना की है। शाह ने कहा कि UPA सरकार में नीतिगत पंगुता थी, जिसके कारण कई घोटाले हुए हैं। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामलों ने सरकार समेत स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामलों को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी इसकी जाँच की तैयारी पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में एक बार फिर धरती हिलने की सूचना मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते एक महीने के अंदर तीसरी बार सरगुजा संभाग में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। गुरुवार को सुबह लगभग 11:56 पर भूकंप से कंपन महसूस की गई। क्रिकेट के ओलंपिक खेलों में बहुप्रतीक्षित वापसी की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने इसे अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक में शामिल करने के लिए 9 अन्य खेलों के साथ समीक्षा खेलों में रखा गया है। क्रिकेट को केवल एक बार ओलंपिक खेलों में जगह मिली है। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ के बाद आजम खान को लखनऊ के नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब मेदांता की क्रिटिकल केयर टीम आजम खान के इलाज में जुटी है। आजम खान की हालत स्थिर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा गया है। जिले में 1,00,000 झंडों के निर्माण का काम महिलाओं को दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आज उछाल देखने को मिला है। भारतीय समय अनुसार सुबह 10:01 तक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 1.64% बढ़त के साथ $1.08 trillion हो गया। बिटकॉइन और इथेरियम समेत लगभग सभी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में बढ़त हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है भान प्रकाश मौर्य, प्रिया यादव, रामविलास प्रसाद, बबलू दास, शंकर प्रसाद रॉय, आदर्श कुमार और बासुकी पंजियारा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत का हालिया प्रदर्शन देखते हुए आपको क्या लगता है, भारत पिछली बार से ज्यादा मेडल हासिल कर पाएगी या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।